फुलबाड़ी में आग लगने से एक दुकान जलकर हुआ खाक। सिलेंडर के विस्फोट से घर का छज्जा उड़ा। सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी के पुट्टीमारी इलाके में कल रात एक चाय दुकान में आग लगने से इस दुकान में रखी सभी सामग्रियां जलकर खाक हो गई। साथ ही दुकान में सिलेंडर में विस्फोट होने से इस घर का छज्जा उड़ गया है। इस चाय की दुकान को चलाने वाली हमीजा खातून ने बताया कि वह एक छोटी चाय की दुकान चलाती है, कभी कभी यहाँ पर चावल दाल सब्जी बनाकर लोगों को खिलाती हुई है। इसी के साथ उनका परिवार चलता है। उन्होंने बताया कि इस दुकान में 3 सिलेंडर रखे हुए थे, इसमें से एक सिलेंडर में विस्फोट होने से घर का छज्जा उड़ गया है। इस दुकान में रखी कई करीब 16 चेयर, साइकिल, चावल दाल सहित सभी सामग्रियां जलकर खाक हो गई है। उन्होंने बताया कि रात करीब 12:30 बजे उनको इस आग के बारे में जानकारी मिली और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सभी सामान जलकर खाक हो गया था। उन्होंने बताया कि दुकान को वह भाड़ा पर लेकर चलाती थी। उनका घर शांतिपारा इलाके में है और रात को दुकान बंद कर घर चली गई थी। इस अग्निकांड में उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। আমরা তো দোকান করে চলে গেছিলাম বাবা, রাত্রে প্রায় 9:30 দিকে। এখন সিলিন্ডারগুলো ঘরে ছিল আর জিনিসপত্র যা যা আমার ঘরেই ছিল। এখন কি করি আগুন লাগছে আমরা তো এটা বলতে পারতেছি না। চা বিক্রি করতাম আর রুটি রুটি অল্প স্বল্প ভাত রান্না করি। এখন ওইটা আমি বলতে পারতেছি না কি করে গেছে, সারা টাটার খুলে ভিতরে আগুন লাগছে কি করে তাও বলতে পারতেছি না। সিলিন্ডার ছিল আর চেয়ার বেলাঞ্চি চাল ডাল যা যা মালপত্র ওগুলাই ছিল সবগুলাই। সিলিন্ডার তো ওই যে টুকরা দেখতেছি টুকরা বাস হয়ে গেছে 12:30 দিকে, 12:30টার দিকে। नमस्ते मैम। डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में सोते बहुत बढ़िया है। एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। सोफा? जी मैम। श्रुते, क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शन अवेलेबल है मैम। अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठ कर, लेट कर, गद्दे पे उछल कर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले।